एक तरफ प्रतीक सहजपाल तो दूसरी तरफ नेहा भसीन, ये दोनों ही ओटीटी के कंटेस्टेंट थे जो अब बिग बॉस टीवी शोज पर आए हैं। एक्चुअली इन दोनों को उमर रियाज से क्यों डर लगा, यहां पर ये एक बड़ा सवाल है। और लाइव फीड के अंदर नेहा भसीन एंड प्रतीक ये दोनों डिस्कशन करते हुए नजर आए। प्रतीक ने जहां पर कहा कि मुझे लग रहा है कि उमर दिन पर दिन और तेजी के साथ में स्ट्रांग होता जा रहा है और हमारी पर्सनैलिटी दबती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा कहती हैं कि मुझे लग रहा है कि उमर गेम बहुत स्ट्रांग खेल रहा है। तो प्रतीक कहता है कि कितनी आसानी से किसी को सब कुछ मिल जाता है, उसने स्टार्टिंग में चाहे भले ही एफर्ट ना दिया हो, मगर अब एफर्ट पर एफर्ट एफर्ट पर एफर्ट उमर रियाज के आते जा रहे हैं। और उमर रियाज ने एक प्यारी सी अपनी छोटी स्पीच भी दी थी कि काफी सारे लोग मुझे समझते हैं कि मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर स्ट्रेंथ कूट कूट के भरी है, मेरे अंदर पोटेंशियल कूट कूट के भरा है, तो मुझे जो कमजोर समझ रहे हो ना, वो कमजोर ना समझे, ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं अंदर से मजबूत हूं, मैं अंदर से पत्थर हूं, कोई कुछ भी कहेगा मुझे कुछ असर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उस दौरान में प्रतीक सिहाजपाल वॉशरूम के बाहर पीछे की साइड खड़ा था, वो सब सुन रहा था उमर की बातों को। ये उमर ने जब कहा जब प्रतीक से लड़ाई हुई थी, जी हाँ, कपड़े वगैरह प्रेसिंग करते करने के दौरान में प्रतीक सहाजपाल से उमर रियाज की बहुत तगड़ी वाली फाइट हुई थी, जिसमें बाद में धक्का मुक्की भी हुई कीचड़ के दौरान में, वो लड़ाई जो है वहां तक चल रही थी। मगर ऐसे में जब प्रतीक एंड नेहा बसिंग ये दोनों बैठे होते हैं बेडरूम के पास में, तो इनका डिस्कशन चल रहा होता है कि प्रतीक का गेम काफी स्ट्रांग हो रहा है, हमारा गेम नीचे दबता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बुरा दिख रहा हूं। क्या ये वाकई में इन सब बातों का यही सबूत दे रहा है कि प्रतीक एंड नेहा इन दोनों को ही उमर रियाज से डर लग रहा है? एक्चुअली डर यूं लग रहा है कि भाई उमर रियाज के साथ में जो है वो करण कुंद्रा खड़ा है, उसके साथ में तेजस्वी खड़ी है। हालांकि चाहे भले ही उमर ने तेजस्वी को खरी खोटी मुंह पर सुना दी हो कि देख भाई तू पीठ पीछे ऐसे खुसफुसा के मत किया कर, जो किया कर मुंह पे किया कर, समझी, और इस तरह से अपनी गेम को ना खेल, तो खुली खुली सुनाई तेजस्वी को। ऐसे में करण कुंद्रा का साथ उमर के साथ में है, जो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में उभर के आया है, जिसकी वजह से प्रतीक एंड नेहा भसीन को हद से ज्यादा डर लगा। अब देखते हैं आगे प्रतीक की स्ट्रेटेजी क्या चेंज होगी। नेहा भसीन ने कहा कि हमें अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन पर दिन हर कोई चेंज होता है, तो इसलिए हमें भी खुद को बदल लेना चाहिए। अब देखते हैं ये कितना बदलने में कामयाब होते हैं और कितना ज्यादा अच्छा इनका गेम हमें देखने को मिलेगा, क्या एक्सपेक्ट जो हमने इनसे किया है वो हमें मिल सकेगा इनकी तरफ से, नीचे हमें कमेंट में लिख के जल्दी से बताएं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो देरी किस बात की यार, जल्दी से करिए सब्सक्राइब, क्योंकि जितनी सारी अपडेट्स हैं लाइव फीड की, सोशल मीडिया की, सोर्सेस की, सब लगातार आप सभी से शेयर की जा रही है।